हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? सो आई होप द ऑडियो इज फाइन टुडे। आई एम यूजिंग एन एक्सटर्नल माइक एज यू कैन सी। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। आई हैड टू जस्ट एडजस्ट अ फ्यू ऑडियो फिल्टर्स इसमें। आई होप इट इज साउंडिंग फाइन। मतलब इज द वॉइस ऑडियो क्लियर नाउ? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है तारीख 6 अगस्त। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस। विल बी क्विकली स्टार्टिंग। देर इज नो डिफरेंस। ऐसे कैसे? आई फील देर इज नो डिफरेंस। नो, कुछ लोगों को लगता था पहले ना कि आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत धीमी आवाज़ आती थी। तो दैट इज़ वाई आई हैव काइंड ऑफ मैंने सोचा इसको थोड़ा वो कर देते हैं। अभी ठीक है? थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया। धीमे करूँ थोड़ा और? थोड़ा सा कम कर देते हैं। गेन ज़्यादा हो गया। ज़्यादा तेज हो जाएगा तो कान, फिर आप लोगों को ईयरफोन लगाना पड़ेगा। फिर लगेगा ईयरफोन में धमाका हो गया। एको आ रही है? एको तो नहीं आएगी? ऑफलाइन जैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा, चलिए तो वी विल स्टार्ट इन अ मिनट। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग दैट वी आर लाइव फॉर द क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। ऑफलाइन वाली फील आ गई होगी वैसे बहुत सारे लोगों को। हाँ, ये तो है। ये बात सही बोली आपने। ऑफलाइन जैसी फील आ गई होगी। ये है एक्चुअली ऑफलाइन वाला ही माइक जो मैं ऑफलाइन में यूज करता था। पायलट वाला माइक तो वॉज बेस्ट। नो ऑडियो एंड वीडियो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है। अंकित मंगर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी बर्थडे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड एंड द इंटायर एन अकेडमी टीम। बहुत बहुत बधाई हो। विशिंग यू ऑल द सक्सेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड जो भी आप कर रहे हो। अच्छा, ये डेट चेंज हुई है, सॉरी। आज 6 अगस्त है, वो गलती से 5 अगस्त दिखा रहा है। सो डोंट वरी, इसके पहले लोगों को लगे कि सर कल का एनालिसिस दोबारा रिपीट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा हाँ, कल मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वो जो इनिशियल अगस्त वाले कुछ एनालिसिस के वीडियो हैं वो अभी क्या हो गया, उनमें बीच में ना, बीच वाले पोर्शन में कुछ फाइल करप्ट हो गई थी। सो दोज विल बी क्रॉप्ड और फिर उसको एडिट करके आज लाइव कर दिया जाएगा। सर्टेन पोर्शन बीच का थोड़ा, तीनों ही वीडियो का पता नहीं क्या हुआ है, वो करप्ट हो गया थोड़ा सा। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा दोबारा। और उसको टीम अभी एडिट कर रही है बिकॉज तीनों वीडियो तो एक साथ उसको कर दिया है। आवाज़ सबको अच्छी आ रही है? एक बार फटाफट जल्दी से थम्स अप दे दो अगर सबको अच्छे से आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। इज दिस मतलब इज दिस ऑडियो बेटर देन द प्रीवियस वन? पहले से बेटर है?
नहीं तो मैं पहला वाला यूज करूं अगर ये बेटर नहीं है तो। ऑल गुड, ठीक है। अदर चैनल्स आर हैकिंग अ वीडियोस। ना ना, नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा करप्ट हो गया वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो टुडेज मोटिवेशनल कोट इज, आज वैसे न्यूज ज्यादा नहीं है, सो इट वॉन्ट टेक मच टाइम, 30-40 मिनट्स मैक्सिमम। आज फॉर्चुनेटली ज्यादा न्यूज नहीं है। सो फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। सो दिस इज वाई, मतलब वाई आई चोज दिस कोट इज फॉर द वुमेन्स हॉकी टीम। तो चाहे वो, मतलब वी वर होपिंग कि दे विल विन मेडल, बट अल्टीमेटली उनको कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। तो अब जब वो पहुंच गए हैं, सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, यू नो, फुल क्रेडिट एंड टू द इंटायर टीम एंड द मैनेजमेंट कि वुमेन्स हॉकी टीम यहाँ तक पहुंची है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। सो अभी क्या है कि नाउ दे हैव टेस्टेड वॉट इट फील्स लाइक टू, यू नो, रीच दैट स्टेज। तो अब क्या है कि आगे और मेहनत से और इंटेलिजेंटली प्रिपेयर करेंगे तो गोल्ड जीत के आ सकते हैं। देखो, ये सारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा कभी फ्लूक से नहीं जीते जाते हैं। वो लगता होगा कि अच्छा, लक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ट्रू, और मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। बट बहुत मेहनत करी सबने, उन्होंने भी मेहनत करी, बट नाउ दे हैव टू बी अ लिटिल मोर इंटेलिजेंट ऑन हाउ टू मैनेज थिंग्स। देखो, स्पोर्ट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ गुड यू प्ले, स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग एंड, यू नो, इट्स ऑल्सो अबाउट, बोलते हैं, इट्स ऑल्सो अ ब्रेन गेम, माइंड गेम है ये। ओपोनेंट को चकमा देना, ऑफिशियल्स को, मतलब इस तरीके से चकमा देना, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, यू नो, दे यू लर्न द ट्रेड, बोलते हैं ना, जो ट्रेड क्राफ्ट जो है आप सीखते हो जब आप उस तरीके से उस लेवल पे खेलते हो। तो जब तक आप बड़े लेवल का गेम नहीं खेलोगे, तब तक सीखोगे नहीं। सेम थिंग गोज टू यूपीएससी ऑल्सो, और आपके लाइफ को। कुछ लोग होते हैं जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता कोई उनको कर लेगा, तो एक बार दे हैव टेस्टेड सक्सेस कि भाई हाँ, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। लेट्स से मेंस क्लियर नहीं भी हुआ क्योंकि उतनी मेहनत नहीं दी, नहीं की थी। तो गो बैक, वर्क ऑन योर, यू नो, शॉर्टकमिंग्स, दोबारा चालू करो, और इस बार इंटेलिजेंटली काम करो, स्मार्टली काम करो कि कहाँ कमी रह गई थी। कुछ लोग बार बार वही गलती करते हैं, तो वही गलती रिपीट नहीं करनी। प्रॉब्लम यह है कि रिपीट नहीं करनी मिस्टेक्स को। मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं तो इशू है फिर, ठीक है। मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, अच्छे से मेहनत से काम करना है, सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो आगे बढ़ते हैं। कंपाइलेशन की कुछ आज फाइल्स अपलोड होगी। आज लेक्चर है टुडे 4 PM, ठीक है। आज 4 बजे लेक्चर है हमारा, फाइनल एज का, DNA का। तो इसमें हम लोग बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम लोग, आप यू कैन ऑल्सो, यू विल गेट द PDF ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक, क्योंकि अभी बहुत सारे रिव्यू करने। तो आज आपकी 3 फाइल अपलोड होंगी, एक इंटरनल सिक्योरिटी होगी, एक आर्ट एंड कल्चर भी होगी आपकी अलग से, और एक सोशल इश्यूज होगी, और शायद मैं इकोनॉमी भी अपलोड कर दूंगा, हो सकता है कि आज वो भी कर दूं मैं। और सो ये आपके आने वाली अपकमिंग स्पेशल क्लासेस है, तो इनके लिए फटाफट एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाओगे, या फिर टेलीग्राम चैनल चले जाओगे आप, दीपांशु सिंह UPSC ऑफिशियल पे, वहाँ पे भी मैंने इसको पिन किया हुआ है कि आने वाली कौन कौन सी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिटेल्स पता है। सो ये जो ऑफर था वो 4 अगस्त, बट अब क्या है, इंडिपेंडेंस डे एक ऑफर आ गया है। तो इंडिपेंडेंस डे ऑफर में टीम इज गिविंग टेस्ट सीरीज, और उसके अलावा जो है ऑप्शनल भी आपका जो है लेसर प्राइस में मिल रहा है। तो ये आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर सब्सक्रिप्शन। तो एनी क्वेरीज फॉर सब्सक्रिप्शन, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन DSingh27, या टीम दीपांशु को आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज हम लोग आर्टिकल देखने वाले हैं वो है फ्लड्स को लेके। वॉइस कम आ रही है? अरे मैं तो एक्सटर्नल माइक लगाया है, वॉइस कम कैसे आएगी, वॉइस ज़्यादा आ रही होगी बल्कि अब आवाज़। इशिता, थीम सीरीज के जो 2 लेक्चर बचे हुए थे वो शेड्यूल किए हुए हैं मैंने, अगर आप देखो। थीम्स भक्ति एंड सूफिज्म, थीम्स विजयनगर एम्पायर, 12 अगस्त, 10 अगस्त, नेक्स्ट वीक है ये, इस हफ्ते नहीं है ये, मैंने शेड्यूल किया हुआ है ऑलरेडी, डोंट वरी। तो ये 2 हैं थीम्स वाले सीरीज के जो हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे इंडिया नेपाल फ्लड मैनेजमेंट को लेके। एक आर्टिकल आया है, वैसे आज कोई ज़्यादा ट्यूटोरियल अच्छे थे नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो जो आर्टिकल आया है वो आया है कि इंडिया नेपाल का जो फ्लड मैनेजमेंट है उसको बेटर करने की ज़रूरत है, इट नीड्स कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन क्यों, मतलब आप देखो मेजरली जो बिहार में हर साल का एक ये कहानी है, कहानी क्या है मतलब प्रॉब्लम है कह सकते हो, कि हर साल बिहार में ना फ्लड्स आते हैं और फिर भी कितनी भी सब्सिक्वेंट सरकारें आ जाएं लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। बिहार में सबसे बड़ी, आपको पता सौरव बिहार एक नदी को बोला जाता है, कौन सी नदी है बताइए? देयर इज अ रिवर नोन एज सौरव बिहार, कोसी नदी, दामोदर बंगाल। तो कोसी नदी जो है वो बार बार फ्लड करती है। प्रॉब्लम ऑफ कोसी इज कि ये ओरिजिनेट करती है नेपाल में और बनती है 7 नदियों से, देर आर 7 रिवर्स विच मेक कोसी एंड फाइनली गेट मर्ज इंटू 3 कोसी रिवर्स। तो ये कोसी नदी में सबसे ज्यादा फ्लडिंग होती है, इसको सौरव बिहार भी बोला जाता है। तो इसको मैनेज करना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों नहीं मैनेज कर पाते, कोई है बिहार का क्लास में जो बता सकता है क्या रीजन है? देखते कितना अवेयर हो आप लोग। मैं अब हर हर क्लास में ये देखा करूंगा कि जो जिस रीजन से बिलोंग करता है वहां की प्रॉब्लम्स को कितना समझता है वो, ये देखने के लिए कि भाई आप एज अ ब्यूरोक्रेट जब बनोगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपसे डेप्थ एनालिसिस में पूछा जाता है कि क्या जानते हो अपने इलाके के बारे में। तो जो बिहार के हैं बताइए जरा, बिहार में क्यों दिक्कत है फ्लडिंग की, कोसी क्या दिक्कत है ऐसी, क्यों नहीं बिहार के लोग जो है वो रिलीफ पा पाते हैं हर साल? मतलब हर साल होता है, जैसे मुंबई में हर साल फिक्स है ना कि गड्ढे होंगे, बारिश हो गई मुंबई रुक जाएगी, गड्ढों के अंदर गाड़ियां गिर जाएंगी और एक ना एक बिल्डिंग जरूर गिरेगी, ये हर बार का फिक्स है मुंबई मुंबई का। वैसे बिहार का फिक्स है कि हर बार कुछ ना कुछ होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, कुछ बोल रहे हैं चेंजिंग कोर्स, शॉ बोल रहे हैं अच्छा, और बिकॉज रिवर जो है अपना कोर्स चेंज करती रहती है। रिवर चेंज क्यों करती है कोर्स, यही तो पॉइंट है, कोर्स क्यों चेंज हो रहा है, रिवर क्यों चेंज कर रही है, सवाल तो ये है एग्जाम के लिए। प्रॉब्लम दो तीन है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। यह है आपका बिहार की, अगर आप देखोगे सिनारियो, ये जो नदी है गंगा नदी है, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। उसके अलावा ये घाघरा, ये गंडक, ऊपर से देखोगे ये छोटी 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 कितनी सारी न्यूमरस स्ट्रीम्स आ रही हैं जो आपके बिहार के ऊपर से नीचे बिहार झारखंड होते हुए आ रही है, ये ऊपर बिहार है नीचे झारखंड। तो ये जो नेपाल से जो इतनी सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स आ रही हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कोसी से लिंक्ड है और उसके आसपास है। और दूसरा ये आप देखो, ये है कोसी नदी, कोसी ओरिजिनेट करती है नेपाल में, 7 नदियां हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6 और 7, नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम है इंद्रावती, सुन कोसी, तम्बक कोसी, लुखु कोसी, दूध कोसी, अरुण सप्त और दिस थिंग तमूर कोसी। तो ये 7 कोसी नदी, सप्त कोसी बोलते हैं इनको, ये नाम याद रखेगा, हो सकता है प्रीलिम्स में आपके काम आ जाए। सो इंद्रावती तो अलग है, ये जितनी भी कोसी नाम लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो दीज 7 कोसी रिवर्स फाइनली मर्ज इंटू 3 कोसी रिवर्स। कौन कौन सी नदी बन जाती है बाद में, सुन, अरुण, तमूर। ये नदी जो है बार बार आपकी फ्लडिंग करती है। सबसे बड़ा रीजन है एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन, और उसकी वजह से होने वाला सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन। जब सिल्ट आएगा नदी में इतना ज्यादा, तो नदी फ्रीली मूव नहीं कर पाएगी और वो अपने पाथ पे ऐसे मियांड्रिंग करना चालू कर देगी। सबसे बड़ा जो है वो है एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन। लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन करके वहां पे जमीन पे कब्जा कर लिए, जहां पे मतलब अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिहार की पॉपुलेशन भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है, तो जो नदी के आसपास का जो एरिया है लोग वहां पे एनक्रोच कर लिए। अब भैया आप फ्लड प्लेन में जाके रहोगे तो ऑब्वियसली बात है बारिश होगी, बाढ़ होगी, आएगी,
आप वैसे भी बिल्कुल नेपाल से नीचे डाउन स्ट्रीम स्टेट हो, हिमालयाज में वहां जो बारिश हो रही है सारा पानी नीचे आएगा, और इंक्रोचमेंट कैसे करते हो आप फ्लड प्लेन के आसपास। और उसके अलावा जो तेराई रीजन है वहां वैसे भी घने फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे लोग क्या किए डिफॉरेस्टेशन भी कर दिए। तो ये सब चीजों पे तो काम करना। एक और भी बहुत बड़ा रीजन है, वो है आपको मैंने ब्रह्मपुत्रा के फ्लड के टाइम पे बताया था, वो है एम्बैंकमेंट्स का बनाना। एम्बैंकमेंट क्या होता है, दीवाल जैसा बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे दीवाल सा बना देते हैं नदी के बीच में। तो वो क्या होता है, दीवाल जो है वो लिमिटेड काम करती है, एम्बैंकमेंट बोलते हैं उसको। होता क्या है, एम्बैंकमेंट बनने से एक्चुअली में पानी का लेवल बढ़ जाता है। सो एम्बैंकमेंट क्या करता है, एक तरीके का डैम की तरह काम करता है। अब समझो देखो क्या होता है, जैसे मान लो पहले नदी जो है ऐसे बह रही थी, मान लो फ्लड्स आ गए आसपास तो थोड़ा और फैल गई यहां पे, अब आपने इसी नदी के अगल बगल मान लो यहां पे आपने बना दी दीवार इतने हिस्से में कि हमारे यहां पे ना पानी ना आए। अब क्या होगा, जब नदी यहां पे आएगी और बाढ़ का पानी आएगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा यहां पे। जहां आगे एम्बैंकमेंट नहीं है ना, वो एरिया में दूर तक पानी जो है फ्लड का फैल जाएगा, क्योंकि ये पानी का लेवल बढ़ चुका है। तो जहां पे एम्बैंकमेंट था वो तो थोड़े बहुत बच जाएंगे, बट हर जगह तो एम्बैंकमेंट हो नहीं सकता। तो इससे क्या होगा, इसके आसपास के एरिया जो आगे जो पड़ेंगे ना, ये एरिया जो गांव है विलेजेस जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन गांव में बाढ़ आ जाएगी क्योंकि वो पानी का लेवल बढ़ चुका है। समझ में आया आपको ये? तो ये चीज होती है कि यहां पे जो गांव के लोग हैं वो तो बच जाएंगे, फिर भी यहां पे कभी कभी क्या होता है बारिश आती है तो ये भी एरिया डूब जाते हैं, बट आगे जो गांव है जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा गरीब इलाका है या ट्राइबल एरिया है जहां पे जंगल या तो ज्यादा है आसपास, और वहां पे एम्बैंकमेंट नहीं बन पाया है, सो दिस रिजल्ट्स इन फ्लडिंग ऑफ द अदर एरियाज वेयर देयर इज नो एम्बैंकमेंट बिकॉज ऑफ एन एम्बैंकमेंट इन द प्रीवियस एरिया और दी इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर, इन द अर्लियर कोर्स ऑफ द रिवर। ये एक अदर बिग रीजन है फॉर फ्लडिंग इन कोसी नदी इन बिहार। तो वैसे नीतीश कुमार सरकार ने काफी सारे एफर्ट किए हैं, बोट्स अक्वायर करी, एम्बैंकमेंट आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो साइड में ये क्या है, ये एम्बैंकमेंट की वजह से है। क्या किया गया, दीवाल को थोड़ा ऊंचा कर दिया गया, रोड को ऊंचा कर दिया। जब आपको ऊंचा करोगे रोड को तो वो क्या करेगा, पानी को रोकने का काम करेगा, पानी का लेवल बढ़ता है। तो यहां तो कुछ नहीं होगा लेकिन आगे वाले एरिया डूब जाएंगे पूरे। मैंने आपको सारे सीन बता दिए, सारे सारे जो सिनेरियो है कि क्यों क्यों फ्लडिंग होती है। पहला तो है देखो, ऑफ कोर्स सी बात है क्योंकि आप फ्लड प्लेन को इनक्रोच कर रहे हो, तो बाढ़ आएगी तो पानी वहीं जाएगा जहां आप रह रहे हो, जगह ही नहीं है रहने के लिए लोगों को, तो फ्लड प्लेन पे रह रहे हैं। आपने जंगल को क्लियर कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पानी जो रोक सकता था या सिल्टेशन रोक सकता था आपने उनको हटा दिया, आपने पेड़ों को हटा दिया है, ठीक है। उसके अलावा आपने एम्बैंकमेंट्स बना दिए, एम्बैंकमेंट बना दिए, तो अब जहां पे एम्बैंकमेंट है वो तो बच जाएगा, आगे वाले डूब जाएंगे। सो बिहार ऐसे ही नहीं बोला जाता है इंडिया मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट, इसीलिए बोला जाता है द फ्लड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट सपोर्ट सिस्टम। अगर आप देखोगे सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज बताता है दैट 76% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ बिहार फेसेस द रिकरिंग थ्रेट ऑफ फ्लड्स, अबाउट 68,800 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ 94,000 किलोमीटर्स, और अबाउट 73% ऑफ बिहार का जो एरिया है वो फ्लड अफेक्टेड है। मतलब पूरे स्टेट का जो एरिया है उसमें से 73% एरिया फ्लड अफेक्टेड एरिया है, बाढ़ आती है वहां पे। अब इसमें नेपाल को क्यों ब्लेम किया है, नेपाल को ब्लेम नहीं कर रहे, नेपाल को ये बोल रहे हैं कि नेपाल क्योंकि बारिश बहुत होती है, वो अपर हिमालयन स्टेट है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने डैम्स बना रखे हैं कोसी को रोकने के लिए, लेकिन वो जो डैम और बराज बना रखे हैं वहां पे जब उनके पास भी बारिश होगी तो वो भी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, तो दे हैव टू रिलीज वाटर, ठीक है ना। आप समझो कि
अब इसको देखो, मैं पिक्चर बना के समझाता हूँ। अब ये बारिश हो रही है, ये हिमालयाज है, नदी आ रही है, ये हार्ट नहीं है भाई, तब ये पेड़ है। ठीक है, आपको लगे हार्ट बना दिया मैंने, ये तेरा ही रीजन है। तो ये क्या बने हुए हैं, आपके डैम्स बने हुए हैं, और इसको हम बोलते हैं बैराज बना रखे हैं इन्होंने एक तरीके से। तो जब बारिश यहां ज्यादा होगी, इनके यहां पे भी बारिश होगी, तो पानी भर जाएगा, एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं ना ये पानी, तो इनको रिलीज करना पड़ेगा नेपाल को। तो मेन पॉइंट क्या है कि इनको जो इंडियन गवर्नमेंट है और स्पेशली बिहार की जो सरकार है, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद नेपालीज गवर्नमेंट कि भाई जब आप पानी रिलीज करो तो एटलीस्ट बता दो, सो दैट वी कैन मूव पीपल आउट। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता तो रहे कि भाई आप पानी कब रिलीज कर रहे हो, ताकि हम लोगों को मूव कर पाए। तो ये चीज के बारे में मेजरली आर्टिकल में बोला गया। तो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जानी है, मेन पॉइंट ये है कि भाई पानी जब आप रिलीज करो तो बता दो हमें कि कब आप रिलीज कर। सो कोऑर्डिनेशन जो है फ्लड मैनेजमेंट में वो बहुत जरूरी है। सो ओरिजिनेटिंग नेपाल द हाई डिस्चार्ज ऑफ सेडिमेंट लोड इन द कोसी गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कमला बालन महानंदा अधर्वगुप्त रेक हैवॉक इन द प्लेन्स ऑफ नेपाल तराई इन बिहार। द एफ एम आई सी एस सी सेज दैट अबाउट 65% ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ दीज रिवर्स फॉल्स इन नेपाल एंड तिब्बत एंड ओनली 35% ऑफ द कैचमेंट एरिया इज इन बिहार। तो ये नदियों का नाम याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। कोसी तो मैंने आपको बता ही दिया, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला बालन है, महानंदा है, और अधर्व ग्रुप का, छोटी छोटी नदियां हैं। और 2004 में वन ऑफ द मोस्ट सिवियर फ्लड्स आए थे बिहार में, जब 23,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका फ्लड अफेक्टेड हो गया था बाय द रिवर्स ऑफ बागमती कमला एंड अधर्व ग्रुप रिवर्स, जिसमें लगभग 800 लोगों की डेथ हुई थी। 800 लोगों की डेथ हुई थी बिहार में 2004 में। अब ये टॉपिक जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, उसके अलावा फ्लडिंग के लिए, GS1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और GS3 और GS2 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है ये कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टेक्निकली द टॉपिक इज मोर रिलेटेड टू GS1 एंड GS3। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो बिहार के लोग हैं स्पेशली, कोई मधुबनी का है यहाँ पे, मधुबनी दरभंगा का, मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी शिवहर सहरसा सुपौल पूर्णिया, यहाँ के लोग ना पता है इनको कि बाढ़ आएगी ही आएगी, ये लोग यूज टू है, इट्स लाइक अ रिचुअल, ईयरली रिचुअल है कि भाई साहब मानसून सीजन आ गया, तैयारी कर लो बाढ़ आने वाली है। तो हम ऐसे लोगों के लिए डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ऐसे क्यों रहने पे मजबूर हैं कि ये लोग को, कि ये बेचारों को हर साल फ्लड से जूझना पड़ता है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशन सच एज बिल्डिंग एम्बैंकमेंट एंड री राउटिंग स्ट्रीम्स हैव डिस्टर्ब द कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ स्लो वाटर फ्लो। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले नदी जब स्लोली फ्लो करती थी तो कोई इशू नहीं था, आसपास बाढ़ आती थी तो पानी रुक जाता था फैल के। अब आपने क्या कर दिया, नदी को डाइवर्ट कर दिया, आपने कैनाल बना दिया, थोड़ा इधर पानी शिफ्ट कर दो, चलो ठीक है, एम्बैंकमेंट बना दिया। तो जब ज्यादा चीजें आप डाइवर्ट कर दोगे इधर उधर, तो उससे क्या होगा कि आपके ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये कोसी को मैनेज करने के लिए 1954 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके अंदर एम्बैंकमेंट बनाया गया नेपाल में एंड मेंटेन किया गया। बट वो जो एम्बैंकमेंट नेपाल में बनाया गया, अब उसका रिजल्ट जो है वो इंडिया भुगत रहा है। अब वो एम्बैंकमेंट पुराना हो गया, उसको रिन्यू नहीं किया गया, दोबारा सही नहीं किया गया, उसमें से कंकर पत्थर, ठीक है, वही बजरी सेडिमेंट सिल्टेशन वो सारे बह के आते हैं और वो जाके नीचे जमा हो जाते हैं। जब वो नीचे आके जमा हो जाएंगे तो नदी ऑब्वियसली बात है अपना कोर्स करेक्ट करेगी, कोर्स चेंज करेगी, क्योंकि वो फ्लो नहीं कर पा रही नेचुरली जो है। और कोसी नदी माना जाता है कि 18th, अगर आप देखोगे 20th सेंचुरी से अभी तक 100 किलोमीटर के आसपास ये डाइवर्ट हो चुकी है। कोसी नदी जो है वो 100 किलोमीटर से ज्यादा कोर्स करेक्ट कर चुकी है, मतलब 100 किलोमीटर से ज्यादा का वेरिएशन आ चुका है। पहले ऐसे फ्लो करती थी तो इतनी दूर चली गई है,
क्यों? क्योंकि इतने एरिया में आ गया है आपका सेडिमेंट, सिल्ट, पत्थर, तो वो नेचुरली फ्लो नहीं कर पा रही है। 100 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है कोर्स शिफ्ट करना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में भी बात करी थी, उसके बाद ही रिसेटलमेंट को लेके बात हुई थी। उसके अलावा ललित नारायण मिश्रा फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल लीडर फ्रॉम मिथिला रीजन ऑफ बिहार, ठीक है, वो मिथिला ये तराई बेल्ट के पास, जिन्होंने काफ़ी कोशिश करी। फिर सर अच्छा, नेपाल और इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है इन स्पाइट ऑफ बॉर्डर इशूज या जो भी चल रहा हो, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती, बिकॉज इट्स अबाउट ह्यूमन लाइव्स। बट क्या है वही, कई बार नहीं हो पाता, कई बार नहीं बता पाते, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नेपाल अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एम्बैंकमेंट बना रहा है। एम्बैंकमेंट का रख रखाव नहीं है, पुअरली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका साइड इफेक्ट इंडिया को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो जो टूट के सब चीज़ें आएंगी वो नीचे यहीं आती हैं। और एड टू एड टू द एग्नी, वी हैव एडेड मोर स्पोरैडिक इवेंट्स लाइक दिस। फ्लैश फ्लड्स बढ़ गए हैं, क्योंकि आपका ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और बारिश की जो इंटेंसिटी है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत बढ़ गई है। सो हाई इंटेंसिटी कन्वेक्शनल रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर अ पास्ट फ्यू ईयर्स। होता क्या है, सडनली बारिश होती है, बहुत तेज पानी बहुत कम टाइम में आ जाता है, जिससे ये फ्लैश फ्लड्स होते हैं। और जब इतनी बारिश सडनली थोड़े मोमेंट ऑफ टाइम में हो जाए, तो उससे क्या होगा, फिर आपका ये पूरा का पूरा जो नीचे है आपका डाउन स्ट्रीम के एरिया पूरा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर पूछा जाए कि भाई आप क्या कर सकते हो, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन, क्या कर सकते हो भाई, हाउ, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आप बताओगे भाई, बिहार के लोग बताएंगे क्या करा जाए। आप लोग भी बिहार के फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स हो, बताइए क्या करा जाए इसमें, हाउ डू यू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स इन इन बिहार। हर साल की कहानी है, कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने भी। देखो अब देखो, एम्बैंकमेंट अगर आप बना दिया तो ओल्ड एम्बैंकमेंट को रिन्यू करना, पुराने वाले को सही करना, ठीक है। रेगुलर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन नेपाल एंड इंडियन अथॉरिटीज। देखो ये तो एक लिमिटेड चीज़ है कि भाई जब बारिश होगी तो पानी वहां पे आ जाएगा, ये चीज़ है। उसके अलावा बेटर पॉलिसी प्लानिंग, सर पूरा आपका मेंस का आंसर तैयार करा दिया मैंने। बेटर पॉलिसी प्लानिंग भाई क्या कर सकते हैं आप, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, बोट्स पे फोकस करो, रेस्क्यू डिजास्टर मैनेजमेंट पे फोकस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एरिया का गाँव के वो पक्के घर बनवाओ, जो अगर कच्चे घर रहेंगे जो गाँव के लोगों के लिए, तो वो तो बह ही जाएंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक रिवर रेगुलेशन जोन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि भाई नदी के आसपास कोई फ्लड प्लेन में नहीं जाएगा, ठीक है, फ्लड प्लेन के एरिया को आप बचा सकते हो, प्रिवेंट दैट एरिया कि वहां पे लोग जाएं। और लिमिटेड ड्रेजिंग करवा सकते हो आप, ड्रेजिंग मतलब खुदाई, मशीन को लाके, आजकल तो बड़े बड़े ड्रेजर्स आते हैं फॉर प्रिवेंटिंग सिल्टेशन, ठीक है, सिल्टेशन आप ये मतलब अक्वायर कर सकते हो। फॉर दिस यू कैन टेक फॉरेन फंडिंग ऑल्सो फ्रॉम कंट्रीज लाइक जापान। वो जनरली क्या होता है, जापान और ये कंट्रीज होती है ना कोरिया, ये क्या करते हैं, ये ऐसे स्पेशली वर्ल्ड बैंक और ये सब जो होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग दे देते हैं। और लोगों को क्या करा सकते हो आप, लोगों को इसके काम के लिए एमजी नरेगा के अंदर भी डाल सकते हो आप, कि इसके काम के अपडेशन के लिए नरेगा के अंदर डाल दो आप, ताकि वो लोग जो है ये एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करते रहे, उसको बिल्ड करते रहे साथ में। और क्या कर सकते हो सर, बताइए,
और कुछ याद आ रहा है क्या करना चाहिए? रिवर बेड स्टडी करिए कि हाउ, करेक्ट, रिवर बेड स्टडी करा सकते हैं आप कि हाउ द कोर्स है शिफ्टेड एंड व्हाट आर द पॉसिबल मेजर। एफॉरेस्टेशन कराइए सर, एफॉरेस्टेशन एम्बैंकमेंट के साइड में, जो एम्बैंकमेंट बना दिया उसके बगल पेड़ लगाइए ताकि पेड़ के जो रूट्स हैं वो सेडिमेंट को फिल्टर करें। पेड़ जो होते हैं वो सेडिमेंट को फिल्टर करते हैं, पेड़ के जो रूट्स होते हैं, और पानी को भी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। बाकी फ्लड वार्निंग सिस्टम तो है ही, मतलब वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, मैं नोट्स में दे दूंगा आपको जस्ट इन केस कुछ लोग अगर मिस कर गए होंगे तो। हाँ भाई, वी कैन लर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, वी कैन लर्न फ्रॉम उड़ीसा, वी कैन लर्न फ्रॉम बंगाल। ठीक है, सो दिस वॉज द आर्टिकल ऑन फ्लड मैनेजमेंट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो ये है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिडैक्ट द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वैसे आज की, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होगा इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में, ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट होने वाला है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीसेंट इश्यूज जहां पे इंडिया हैज लॉस्ट द केस ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, जब इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया था। रिडैक्ट मतलब हटाया जाएगा, वापस किया जा रहा है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आपको याद होगा ना, केयर्न एनर्जी ने बोला था फ्रांस इनमें इंडिया के एसेट सीज कर लेंगे, उसके पहले वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन वाला केस हुआ था जिसमें बैक डेट से इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स जो है कॉर्पोरेट टैक्स इन पे लगाती थी, और जैसे सेल ऑफ एसेट है उसके ऊपर उन्होंने जो कंपनीज हैं उनके ऊपर बैक डेट से टैक्स लगाया हुआ था। तो उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इंटरनेशनली, उससे बिजनेस जो है इफेक्ट होता है। फाइनली आप ये कह सकते हो कि सरकार को रियलाइज हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जब ये ऑपोजिशन में थी, ये लोग सब हमेशा बोलते रहे कि ये जो है गलत है गलत है। तो सरकार में आने के बाद इनको 7 साल लग गए, लगभग टेक्निकली 7 साल लग गए, 5 साल पहले और 2 साल अब, 2014 से अगर आप कैलकुलेट करो। तो दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट व्हेन दे वर इन ऑपोजिशन, द बीजेपी मेंबर्स यूज्ड टू शाउट एंड आउट एंड ऑन द कांग्रेस गवर्नमेंट कि भाई ये गलत है गलत है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो गया, ये हो गया। स्पेशली आई रिमेंबर इन द स्पीचेस ऑफ अरुण जेटली जी, तो अरुण जेटली साहब काफ़ी बोलते थे पार्लियामेंट में कि राज्यसभा में कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फाइनली सरकार जो है अब ये टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है जिसमें ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है बैक डेट से जो लगाया जाता था उसको हटाया जाएगा। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2012 में क्या हुआ था, सबसे पहले ये गवर्नमेंट ना वोडाफोन वाला टैक्स का एक केस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वोडाफोन जो जो था वो केस में $11 बिलियन का एक्विजिशन हुआ था और 67% स्टेक लिया था उन्होंने इन द कंपनी हचिंसन, हच का ऐड आता था आपको याद होगा एक। तो उसमें ना इंडिया को, इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज ने बोला कि भाई इन्होंने तो यहाँ पे अपनी ही सब्सिडरी बना के इसको खरीद लिया है, और एक तरीके से क्या है टैक्स इन्होंने इंडिया में पे नहीं किया, वो जो इनकी नेदरलैंड्स वाली जो हचिंसन एसआर कंपनी है उन्होंने उसको खरीदा है, और हचिंसन एसआर जो है वो इंडियन कंपनी को ओन करती है। तो वो क्या है, मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस है कि वो टैक्स इवेजन वाली बात हो गई थी कि वोडाफोन ने खरीद लिया नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी हच को, और नेदरलैंड्स वाली जो हच की कंपनी है वो इंडियन हच को ओन करती थी। तो इन्होंने टेक्निकली खरीदने पे इंडिया में खरीदा जो कंपनी के एसेट्स पे उस पर कोई टैक्स नहीं दिया। तो सरकार ने क्या बोला, सरकार चिढ़ गई, उन्होंने बोला भाई ऐसा कैसे होगा। तो सरकार चिढ़ गई, तो सरकार ने फिर क्या करा, इस पे इनकम टैक्स लॉ को अमेंड करके बैक डेट पे टैक्सेशन का लॉ लेके आ गए। एक सेकेंड, हाँ जी। सो फिर 2012 में क्या हुआ, जब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया गया तो टैक्स डिमांड जो था वो कंपनीज में बढ़ गया। पेनल्टी लगभग 22,000 करोड़ की लगा दी इनकम टैक्स ने गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, इसमें केस गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में,
सरकार को केस लूज कर गई, इंडियन गवर्नमेंट लॉस द केस। सो गवर्नमेंट को बोला गया भाई आप 4.3 मिलियन पाउंड जो है वो दो। मार्च 2015 में सिमिलर चीज जो हुई वो आपकी केन एनर्जी को लेके हुई, जैसे वेदांता माइनिंग वाला जो केस था उसमें ये सेम इशू हुआ, फिर ये हेग ट्राइब्यूनल में केस गया। अभी इन्होंने 2020 में रूलिंग दी कि आप इंडिया जो है $1 बिलियन लौटाएगा। अब उसमें बोला कि $1 बिलियन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है इनके एसेट सीज कर लो फ्रांस में और बाकी जगह। सो आईटीसी जो है, सिमिलरली आईटीसी का केस हो चुका है, सनोफी का केस हो चुका है, आदित्य बिरला का हो चुका है, जेनपैक्ट का हो चुका है, वेदांता का हो चुका है, साब मिलर का हो चुका है। तो ये सारे ही केसेस आप देखोगे इंडिया में हुए जहां पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की डिमांड की गई है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगा गया है। तो ये क्या होता है कि भाई अगर मैं अपनी कंपनी लेके लेट्स से इंडिया में आना चाहता हूं और काम करना चाहता हूं, तो उससे क्या होता है कि अब मुझे ये पता है कि भाई अभी के लिए ये टैक्स लॉज है और ये टैक्स मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि मुझे रूल्स एंड गाइडलाइंस पता है कि ये अभी टैक्सेशन प्रोसीजर है। अब मैं कल को बिजनेस अपना खोल दूं और उससे क्या होता है कि बाद में सरकार बोले नहीं आपको आज से टैक्स नहीं देना, आपको 10 साल पुराने टाइम से टैक्स देना है, बैक डेट से टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम, कौन करना चाहेगा बिजनेस? दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तो ये एक पॉइंट है जो सरकारों को सोचना चाहिए जब हम ऐसी चीजें लेके आते हैं। तो अब ये हट रहा है फाइनली, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, बहुत पहले से डिमांड थी, बहुत पहले से उसको हटा देना चाहिए था, बट फाइनली अब हट रहा है तो अच्छी चीज है। बाकी आज हिरोशिमा डे भी है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन B-29 बॉम्बर ने 80,000 पीपल डाइड व्हेन दे ड्रॉप दिस एटॉमिक बॉम्ब, और उसके ठीक 3 दिन बाद एक सेकेंड बॉम्बर था जिसने बॉम्ब गिराया नागासाकी में, जिसमें आपके जो है 40,000 जो है लोग मारे गए थे। तो इसके बाद आप देखो कि सडनली पूरा दुनिया हिल गई, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुका था और जापान ने सरेंडर कर दिया। सो जापान जो है आज हिरोशिमा डे मनाता है बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एंड वैसे आप देखोगे मतलब टेक्निकली देखा जाए कि यूएस के बॉम्ब गिराने के बाद भी जापानीज लोग हार नहीं माने थे। 9 अगस्त को दोबारा यूएस ने एक बॉम्बर भेजा टू द प्राइमरी टारगेट ऑफ सिटी ऑफ कोकुरा, हाउएवर थिक क्लाउड्स ओवर कोकुरा प्रिवेंटेड द पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी फ्रॉम ड्रॉपिंग द बॉम्ब। सो ही फ्लू टू सेकेंडरी टारगेट नागासाकी नेसल बिटवीन द माउंटेन्स एंड ही ड्रॉप द फैट मैन। ये नाम आता है कि फैट मैन क्या था, फैट मैन इज बेसिकली द नेम ऑफ द बॉम्ब। तो पहले नागासाकी को तो बॉम्ब करना ही नहीं था, इट वॉज नॉट इन द लिस्ट। ये जो सिटी ऑफ कुकुरा है इसको बॉम्ब करना था, बट वहां बादल इतने थे और इतने सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स हुआ नहीं करते थे उस टाइम, तो उस वजह से क्या था कि उन्हें विजिबिलिटी नहीं थी, ऊपर से गिराना था, क्योंकि आप सोचो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है वो उनसे डिटेक्ट नहीं करना था उनको। तो दिस प्लूटोनियम बॉम्ब वॉज मोर पावरफुल देन द वन दैट वॉज यूज इन द फर्स्ट बॉम्ब दैट वॉज हिरोशिमा। तो इसने 22 किलोटन का ब्लास्ट प्रोड्यूस किया था। तो ऐसा नहीं कि जापानीज हिरोशिमा के बाद हार गए थे, वो दे स्टिल कंटिन्यूड, एक्चुअली इट वाज द सेकंड बॉम्ब विच स्केयर्ड देम। एंड स्केयर्ड क्या मतलब, नोबडी वांट्स टू लूज देयर पीपल लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी देश नहीं चाहता कि उनके लोगों की जान जाए। तो दैट शोज यू द पेरिल्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब एंड द इम्पैक्ट अ न्यूक्लियर बॉम्ब कैन हैव। बाकी जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 जो है वो राज्यसभा में पास कर दिया गया है, बट जब तक नहीं आएगा, जब तक इन द राज्यसभा डज नॉट कम इन इफेक्ट अनलेस इट इज इन्वोक्ड एंड इज प्लेस इन प्लेस ओनली फॉर 1 ईयर। तो बिल जो है इसको प्रोमलगेट किया गया था, आपको याद होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में हमने कल बात की थी कि ये लोग जो है एसेंशियल सर्विसेज में आएंगे और ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते। सो बिल ऑल्सो डज नॉट वायलेट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, इट वॉज मेंट टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई टू द सर्विसेज। तो ये क्या है? ये 1 साल के लिए ही किया गया है, अभी अगर इसको वापस इन्वोक नहीं किया जाएगा तो ये लैप्स कर जाएगा। ये इसलिए ताकि जो डिफेंस एम्प्लॉयज हैं सिविलियन गवर्नमेंट की साइड से, उनको ये ना लगे कि भाई सरकार जो है थोड़ा कुछ गलत कर रही है उनके लिए। तो ये 1 साल के लिए किया गया क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। तो ये OFB जो बोर्ड है वो बोल रहा है कि हम ये जो लॉ लाया गया है एसेंशियल सर्विस में डालने वाला और हम स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, एक ड्रकोनियन लॉ है। एक्चुअली देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो वर्कर्स है OFB में, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, देर आर
ये जो काम करते हैं वर्कर्स उनके खुद के भी एसोसिएशंस हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट जस्ट दी सिविलियन एम्प्लॉयज़, जैसे डिफेंस सर्विसेज के लोग होते हैं, मतलब डिफेंस मतलब सिविलियन डिफेंस की साइड, जैसे ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सर्विस होती है, थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस सिलेक्शन होता है, नॉट नेसेसरी कि वो लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, बहुत सारे लोअर लेवल क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं जो लोग को लग रहा होगा कह रहे भाई, क्योंकि क्या होता है ना थोड़ी अवेयरनेस की कमी होती है, तो उन्हें लगता है अरे सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो क्या पता हमारी जॉब चली जाए, तो वो भी एक सिनेरियो है जिसमें सरकार को रियलाइज हुआ कि अगर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे स्ट्राइक करेंगे भाई, अब जहां पे आपके गन्स मैन्युफैक्चर होते हैं वही साइट अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली लोग धरना करने लग जाएंगे तो चाइना तो बोलेगा भाई ये तो सबसे सही मौका है हमला कर दो, इंडिया की जो जो डिफेंस फैक्ट्रीज है वो पे वहां पे धरना चल रहा है। सो जैसे मैंने कल भी बताया कि पुलिस हो गया, डिफेंस फोर्सेज हो गई, आर्म फोर्सेज हो गई या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जनरली दीज पीपल डॉक्टर्स दे आर नॉट अलाउड टू गो ऑन अ प्रोटेस्ट एंड अ स्ट्राइक बिकॉज उनकी उनकी जॉब ना जॉब नहीं है, उनका जो उनके जो वो जो काम करते हैं वो जॉब की कैटेगरी में आता नहीं है, दे आर नॉट वेज अर्नर्स। बाकी इंडिया जो है उन्होंने बोला है दैट वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द अफगान लेड पीस प्रोसेस जो चल रहा है एंड सो इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग द अनफोल्डिंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान, सेड एन ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पहले जो डिस्कशन चल रहा था अफगानिस्तान में उसके बारे में इंडिया ने बोला है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप देखोगे इब्राहिम राइसी साहब जो है उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में एक्सटर्नल अफेयर्स साहब जो हैं हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं जयशंकर जी गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया एज यू नो इज़ राइट नाउ एट दी प्रेजिडेंटशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और उसको लेके उन्होंने मतलब बहुत ही सही समय पे आए हैं जहाँ पे ईरान भी है जहाँ पे अफगानिस्तान भी है, सारे ही इश्यूज का डिस्कशन होगा इस टेन्योर ऑफ इंडिया में जहाँ पे ईरान जो इंडिया इज एट दी प्रेजिडेंटशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की चेयरमैन भी है इंडिया। बाकी एक रिपोर्ट आई है जो थोड़ी थोड़ी कंसर्निंग है कि 88% आईआईटी गुवाहाटी के जो ड्रॉप आउट्स हैं दे आर फ्रॉम रिजर्व कोटा, तो एटलीस्ट 6 out of 10 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी जो है वो आपके रिजर्व कोटा के हैं। तो दलित आदिवासी एक्टिव है, अब जो एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि जो ये कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें हाई लेवल ऑफ प्रेशर फेस करना पड़ता है, तो इसमें मल्टीपल आईआईटी इनफैक्ट इवन आईआईएम्स और काफी हाई लेवल इंस्टीट्यूशंस पे आप देखोगे ये डेटा आता है कि मोस्टली जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा होते हैं। नाउ इसमें अब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, आप मुझे बताइएगा, ये आप लोगों का असाइनमेंट है आज का कि आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्यों है, क्या इन पे प्रेशर ज्यादा है, क्या इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है, या फिर ये परफॉर्म नहीं कर पाते जो ये ड्रॉप आउट कर जाते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, तो रीजन क्या है, उसको कैसे फिक्स करना चाहिए, आप लोग मुझे बताओगे जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स है, कॉमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। बाकी मालदीव स्टाइल वाटर विला जो है वो लक्षद्वीप में सेटअप किए जाएंगे, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, जिसको लेके वहाँ के लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ के, उन्होंने बोला कि 800 करोड़ के विला बनेंगे, जैसे मालदीव में आप देखते हो ना लोग डालते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे विला टाइप बने वाटर विलास, जिसमें से आधे तो देखना पॉलिटिशियन रख लेंगे अपने पास और कुछ ब्यूरोक्रेट्स खरीद लेंगे और उसको दे देंगे होटल को पार्टनरशिप में। सो ये विला जो है विनमिनीकॉय सुहेली और कदमत आइलैंड में सेटअप किए जाएंगे, सो दीज विल बी सेटअप और जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एंड वाटर एंड बीच विलाज विल बी गिवन टू सेलेक्टेड बिडर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 75 years इन ऑर्डर टू डेवलप ऑपरेट एंड मेंटेन। तो जो कंपनी होगी उसको 75 साल का लीज पे दिया जाएगा कि आप बनाओ और इसको ऑपरेट करो और मेंटेन करो, आप जो भी आपने बना के खर्चा किया है उसको आप रिकवर कर लो टूरिज्म से और बाकी जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, सो बिल्ड ऑपरेट एंड मेंटेन अपने हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि अभी तक कोई भी सुसाइड को लेकर डेटा नहीं है उनके पास रिगार्डिंग पैंडेमिक, कि पैंडेमिक COVID-19 के टाइम पे कितने सुसाइड हुए अभी ऐसा डेटा नहीं है, एनसीआर भी डेटा अभी कलेक्ट कर रहा है, उसके अलावा निमहांस जो है वो भी अभी डिटेल गाइडलाइन इशू करेगा। सो द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो फैसिलिटेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स बाई निमहांस इन प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सो वैसे एनसीआरबी का डेटा प्रीवियस वाला बोलता है कि 2019 में कंपैरेटिवली जो सुसाइड रेट है वो बढ़ गया एज कम्पेयर टू 2018 फ्रॉम 1,34,000 टू 1,39,000। तो कोविड पैंडेमिक में आप देखो मेजरली लोगों की मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थी, तो साइको सोशल सपोर्ट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट चिल्ड्रन अडल्ट ये सब जो है आपके कह सकते हो कि ये अफेक्टेड थे। तो मनोदर्पण और बहुत सारे आप देखोगे स्कीम्स एंड यू नो अ लॉट ऑफ इंटरवेंशंस वर लॉन्च, 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च की थी सरकार ने ताकि लोग जो है अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो कॉल कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो,
बाकी यूनियन कैबिनेट ने एक बिल पास किया है टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। ये ओबीसी लिस्ट ये महाराष्ट्र के जो मराठा रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बाद की बात है। तो अब इसमें क्या है, यूनियन कैबिनेट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसके लिए बेसिक पास के क्या अप्रूवल दिया है, जिसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा दोनों हाउसेज में। तो इससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी यूटी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी भी एक लिस्ट बना सकते हैं ओबीसी की। एक सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लेवल पे भी होती है। तो अभी क्या था, सेंटर के पास पावर थी, तो अब क्या किया गया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपको पता है कि ओबीसी बॉडी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है एंड इट इंसर्टेड आर्टिकल 338B। एंड वाइल आर्टिकल 324A डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर कास्ट एज सोशली एंड जो इकोनॉमिकली आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं, और पार्लियामेंट के पास पावर थी इस लिस्ट को चेंज करने की। तो अब क्या है कि स्टेट्स जो है इसमें बोल रहे थे कि भाई हमारे, क्योंकि हर स्टेट्स में ओबीसी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, तो अब इससे क्या होगा, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसी जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अभी तक सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर होती थी। कॉमन लिस्ट में प्रॉब्लम यह है, जैसा मैंने बताया कि हर एक सेंट्रल लेवल की लिस्ट अलग होती है हर स्टेट में। जैसे कुछ कम्युनिटी अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी वो एमपी में ओबीसी में आएगा बट शायद यूपी में नहीं आएगा। जैसे जाट जो है यहाँ पे है तो शायद नॉर्थ ईस्ट में नहीं होंगे। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में देर आर अदर अदर क्राइटीरियाज। बाकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करेगी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन August 12 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा पे। द सैटेलाइट विल बी कैरिड ऑन बोर्ड द 14th फ्लाइट ऑफ GSLV एंड विल प्लेस द सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। सो द EOS-3 इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट एजाइल सैटेलाइट होगी, ये आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालेंगे ताकि ये जो है अर्थ को ऑब्जर्व कर पाए। तो जनरली क्या होता है, आपके ये रिमोट सेंसिंग के लिए कभी यूज होती है एंड मेजरली आपके क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेशन के लिए, देन फॉर यू नो मॉनिटरिंग ऑफ साइक्लोन्स, उन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। सो नेचुरल डिजास्टर, वाटर बॉडीज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, क्रॉप कवर, इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। बाकी यूएनएससी ने बोला है कि इट इज अगेंस्ट द रेस्टोरेशन ऑफ इस्लामिक एमिरेट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान जो बोल रहा है कि हम इस्लामिक एमिरेट्स बनाएंगे, जैसे आइसिस बोल रहा था हम इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे, ये बोल रहे हैं हम इस्लामिक एमिरेट्स बनाएंगे। तो इंडिया एज यू नो इज राइट नाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनएससी। तो उन्होंने बोला वी डू नॉट सपोर्ट दिस, इंडिया इज ऑलरेडी बैकिंग द एफर्ट्स ऑफ एस्टोनिया नॉर्वे हु आर एक्टिंग एज पेन होल्डर्स इन यूएनएससी एंड अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड फॉर द अफगानिस्तान इशू। अब ये जो दो कंट्री हैं एस्टोनिया एंड नॉर्वे, ठीक है, ये क्या है, वोट क्या होता है, कंसेंसस से होता है। तो इन दो कंट्रीज को कन्विंस करना है कि भाई हम एक रेजोल्यूशन पास करें, एंड एस्टोनिया एंड नॉर्वे जो है उन पे अभी कंसेंसस नहीं है इस चीज को लेके। बाकी कैबिनेट नॉट फॉर सेपरेट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सेक्रेटेरिएट। सो कैबिनेट मीटिंग ने बोला है कि एक सेपरेट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा ताकि स्कीम्स जो हैं एसटी के डेवलपमेंट के लिए उनको जल्दी और प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। तो अभी क्या है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए सेपरेट सेक्रेटेरिएट है, बट कैबिनेट ने डिसाइड किया कि एक सेपरेट एसटी वेलफेयर सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। तो उससे क्या होगा, ताकि इनके स्टाफ ऑफ ऑफिसर जो हैं वो अलग से डेडिकेट रहे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर स्कीम्स। बाकी एक साल हो चुके हैं, आपको पता होगा लेबनन में ब्लास्ट हुआ था बहुत जबरदस्त शिप पे, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट 200 पीपल हैड डाइड एंड 7,000 इंजर्ड। तो अभी क्या है, लेबनन की इकोनॉमी बहुत ही खराब स्टेट में है, करप्शन बहुत ज्यादा है, साद हरीरी रिजाइन कर चुके हैं। और लेबनन में आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो सरकार है ना उसका ट्रस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का है। लेबनन में क्या होता है कि पहले तो वो फ्रेंच कॉलोनी थी, प्रेसिडेंट जो है वो उनका एक क्रिश्चियन मैरोनाइट कम्युनिटी से ही आना चाहिए, पीएम जो है वो सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए और पार्लियामेंट का स्पीकर जो है वो शिया होना चाहिए। अब इस वजह से क्या होता है कि वहां पे पॉलिटिकल इशू हो जाता है और रिलीजियस एथनिक में भी कन्वर्ट हो जाता है क्लैश में, क्योंकि वहां पे ये एक तरीके का गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल कन्फेशनिस्ट इसको बोलते हैं। आप देखोगे मैरोनाइट, क्रिश्चियन, सुन्नी एंड पार्लियामेंट का जो स्पीकर होंगे वो आपके शिया होते हैं। तो गवर्नमेंट के बीच में ही क्लैश हो जाती है बिकॉज ऑन रिलीजियस एथनिक लाइन। तो इसको हम लोग बोला जाता है
कन्फेशनलिज्म कभी अगर एग्जाम में आए, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कन्फेशनलिज्म। कन्फेशनलिज्म यहाँ पे क्या है कि अलग अलग रिलीजन से लोग आते हैं, वहां पे सीट रिजर्व है रिलीजन के। द काइंड ऑफ गवर्नमेंट ओवर ओवर हियर इज नोन एज कन्फेशनलिज्म। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटी के कोर्स में पढ़ा है। तो लेबनन की जीडीपी पर कैपिटा हैज फेल बाय 40% डॉलर टर्म्स एंड इन्फ्लेशन हैज शॉट अप बाय मोर देन 110%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी 40% लास्ट ईयर से ज्यादा हो चुका है। साक्षी जी हाँ ठीक है, मुझे मैसेज आ गया, अभी अभी आया मैसेज। बाकी आरबीआई ने एक नया सर्कुलर इशू किया है, गाइडलाइन इशू किया है ऑन द ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स। तो इन्होंने सारे ही बैंक को टाइम दिया अक्टूबर तक की इंप्लीमेंट करें रूल्स को, एंड डेडलाइन जो थी पहले 31 जुलाई थी। तो दीज आर बेसिकली फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ बाय लीडर्स एंड फॉर दिस आरबीआई सजेस्टेड अ ग्रेडेड अप्रोच। तो उसमें क्या है, फॉर बोरोवर्स हु हैव नॉट अवेल्ड द सीसीओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ अकाउंट व्हिच इज लेस देन 5 crores। फॉर बोरोवर्स हु हैव नॉट अवेल्ड दिस फ्रॉम एनी बैंक एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज 5 crores और मोर और लेस देन 50 crores। तो अलग अलग इन्होंने ना बैंडविड्थ बना रखी, इतने से इतने अमाउंट के लिए जो करंट अकाउंट का आपका जो लिमिट है उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली जिनके करंट अकाउंट है, जो लोग बिजनेस करते हैं, वो लोग डेली जनरली ये अकाउंट यूज करते हैं। डेली ट्रांजेक्शन होता है इन लोगों, तो डेली ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके बेसिस पे करंट अकाउंट में क्या होता था, कई बार केसेस आए कि कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं या कई बार इशू होता था, रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता था। तो उसको लेके आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किए थे 31 जुलाई तक इंप्लीमेंट होने थे, बट उसको अब डेडलाइन को उन्होंने अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया। बाकी टैक्स पेयर हु हैव नॉट फाइल्ड जीएसटी रिटर्न फॉर 2 months और क्वार्टर अप टू जून 21 विल नॉट बी एबल टू जनरेट ई वे बिल्स। ये बोला गया है ताकि स्ट्रिक्ट हो जो जीएसटी कलेक्शन जो है उसको बढ़ाया जाए, और उन्होंने बोला कि अगर आपने 2 महीने से नहीं भरा है तो अब आपको ई वे बिल जनरेट नहीं होगा 15 अगस्त के बाद। सो एनीबडी वाज नॉट बीन एबल टू फाइल जीएसटीआर 3B अप टू जून 21 और नॉट इज नॉट फाइल 2 or more स्टेटमेंट्स फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून विल नॉट बी एबल टू जनरेट ई वे बिल। तो उनके गुड्स के मूवमेंट में फिर प्रॉब्लम होगी। बाकी डिस्पाइट अ रीसेंट फ्लरी ऑफ न्यू नेशनल एमिशन प्लेजेस द वर्ल्ड इज स्टिल फार अवे फ्रॉम प्रिवेंटिंग कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज। बेसिकली आप देखोगे जो INDCs जो हैं या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उस पर अभी भी कंट्री जो है प्रॉपरली स्टिक नहीं कर रही। एस्टिमेट बता रहा है कि जो टोटल अपडेटेड प्लेजेस हैं दे वुड रिड्यूस 2030 इमिशन बाई अबाउट 2.3 gigatons ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एंड कंट्रीज एमिट अराउंड 50 gigatons ऑफ इमिशन पर ईयर। तो जो अभी के प्लेजेस हैं वो कम है, दे आर जो शॉर्टफॉल हो रहा है उनको, क्योंकि ना चाइना कम कर रहा है ना अमेरिका कम कर रहा है। स्पेशली G20 नेशंस जो हैं दे हैड मेड अ सिमिलर प्रोसेस, बस ये लोग अपने कमिटमेंट्स पे स्टिक नहीं कर रहे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्टर स्कीम क्या है? इट एम्स टू इंश्योर टाइमली रिलीज ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम जेल। गवर्नमेंट विल इंस्टेंटली डायरेक्टली सिक्योरली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट द बेल ऑर्डर्स टू ऑफिशियल्स। ये मैंने बताया था CJI साहब ने ये ऑर्डर दिया था, आपको याद होगा। बताइए फटाफट। सो करेक्ट आंसर इज ए ओनली। तो CJI साहब ने इसको अनाउंस किया था, विच इज नोन एज फास्टर स्कीम। सो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो इंस्टेंटली आपका जो है कोर्ट से ऑर्डर जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जाएगा। ये यहाँ पे ट्रैप था, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट थोड़ी ऑर्डर देती है, कोर्ट ऑर्डर देता है। सब लोग सी मार्क कर रहे, पढ़ दो लिखा, लिखा तो क्या है, पढ़ दो लो वहां पे। एवरीबॉडी इज लाइक सी सी सी, यू हैव टू सी बिफोर यू मार्क सी, सी बिफोर यू सी, लुक केयरफुली, आंखों से देखिए पहले स्टेटमेंट को। आखिरी सवाल है आज का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने जिसको बताया था माइक्रो प्लास्टिक को लेके, ये आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं, तो एनीवे आई थिंक द आंसर इज यू नो इसका ए ही है, ये कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल होते तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। सो एनीवे सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा आप लोग फॉर यू नो एक्सेसिंग न्यू कोर्सेज। ज्योग्राफी का कोर्स आज है हमारी 12 बजे, 12:30 बजे क्लास है, और पॉलिटी MCQ का कोर्स चालू हो रहा है 11 तारीख से।
11th ऑफ अगस्त द टाइमिंग विल बी 5:30 PM। तो पावर पैक सेशंस होने वाले हैं, फटाफट सब्सक्रिप्शन लेके आप लोग इनरोल कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट पेमेंट मेथड्स, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस यू हैव यू कैन रीच आउट टू मी ऑन DC27 और टीम दीपांशु ऑन टेलीग्राम। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। पुराने वीडियोज जो हैं कल वाले वो अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे।